हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डीआरडीओ में एडीआई की न्यू रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। तो इस न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट वैकेंसी डिटेल्स, सैलरी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस, ये जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया है वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीआई की तरफ से जारी किया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट होने वाला है प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए ये जो न्यू नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाले हैं 68। तो गाइस, जितने भी मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसी डिटेल्स में बताया गया है कि फर्स्ट जो पोस्ट है P1 की, यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और वहाँ पर 46 नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई हैं। उसी के साथ P2 में अगर आपके पास मिनिमम 4 ईयर्स की मतलब एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, यहाँ पर कंप्लीट नंबर ऑफ वैकेंसी 17 रखी गई है। और P3 में अगर आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मिनिमम तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे 5 पोस्ट के लिए। यहाँ पर गाइस, जो फर्स्ट पोस्ट है P1 के लिए सैलरी मिलती है 50,000 रुपीज से लेकर, प्लस DAB उसमें ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है P2 में आपको सैलरी मिलती है 60,000 रुपीज से स्टार्ट होती है और DAB उसी के साथ ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है P3 में आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो है 70,000 रुपीज। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में विद एक्सपीरियंस के साथ, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप फॉर्म फिलअप करने के एलिजिबल होंगे इन सभी पोस्ट के लिए। लेकिन आपके पास मिनिमम जो एक्सपीरियंस बताया गया है 2 ईयर्स, 4 ईयर्स एंड 8 ईयर्स का, तो वो मिनिमम एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है गाइज, एज लिमिट में बताया गया है कि 35 ईयर्स की एज लिमिट मैक्सिमम होनी चाहिए लेवल P1 की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है 45 ईयर्स की मैक्सिमम एज होनी चाहिए लेवल PE2 की पोस्ट के लिए, और 55 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए लेवल PE3 की पोस्ट के लिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो एज पर रूल्स कैटेगरी वाइज मिल जाता है। एप्लीकेशन फी जो है गाइज, इस पोस्ट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली है, आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस उसी के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उतने कैंडिडेट्स को, और उतने कैंडिडेट्स को प्रिलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपको फाइनल पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। थर्ड में फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनके मेरिट लिस्ट वाइज यानी कि उनके जो पर्सनल इंटरव्यू होता है फाइनल पर्सनल इंटरव्यू, तो उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट वाइज मेरिट के मार्क्स के हिसाब से आपको फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो गाइज, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 जुलाई से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट होने वाली है 31 जुलाई। तो यहाँ पर गाइज इंपॉर्टेंट लिंक में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आप अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गाइज वो कुछ इस तरीके से है, ये भी आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, ये कंप्लीट जानकारी जो है मैंने आपको बता दी है इस न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।